आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीके एजुकेशनल में। जी हाँ दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हमें किसी से पूछना होता है कि आपने अभी क्या क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आपने कभी वैसा किया है, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, जब हमें किसी से पूछना होता है कि क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या कभी आपने वैसा किया है, तो दोस्तों हम सवाल करते हैं हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि हैव यू एवर बीन टू जेल, हैव यू एवर बीन टू जेल, क्या आप कभी जेल जाकर आए हो, क्या आप कभी जेल जाकर आए हो, हैव यू एवर बीन टू जेल। जी हाँ दोस्तों, इस फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन किया गया है, जैसे हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, बीन जेल जाकर जाकर वापस आना, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों बीन का। हैव यू एवर बीन टू जेल, क्या आप कभी जेल जाकर आए हो। हैव यू एवर सीन ए गोस्ट, क्या आपने कभी भूत देखा है, भूत देखा है क्या कभी। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे आंसर आंसर की। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई हमसे हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म में हमसे कोई सवाल करता है, तो दोस्तों हमें उनसे आंसर कैसे करना है, उस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। फर्स्ट है पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव होता है कि हाँ मैंने कभी ऐसा किया है, मैंने कभी वैसा किया है, और दोस्तों नेगेटिव नेगेटिव होता है मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी वैसा नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, पहले हम देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर होता है दोस्तों वो दिया जाता है आई हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, क्या हमें कहना है कि मैंने कभी ऐसा किया है, मैंने कभी वैसा किया है, तो दोस्तों हम उसका आंसर करते हैं आई हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं आई हैव सीन गोस्ट वंस, जैसे हमने एक बार देखा है तो हम कहेंगे दोस्तों आई हैव सीन गोस्ट वंस, जैसे हमने दो बार देखा है तो हम कहेंगे आई हैव सीन गोस्ट ट्वाइस, जैसे हमने दोस्तों तीन बार देखा है तो हम कहेंगे आई हैव सीन गोस्ट थ्राइस। जी हाँ दोस्तों, और अगर हम कहेंगे मैंने चार बार देखा है, आई हैव सीन गोस्ट फोर टाइम्स फाइव टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, और हमें कहने की मैंने कई बार देखा है, मैंने कई बार भूत देखा है, तो दोस्तों हम कहते हैं आई हैव सीन गोस्ट मेनी टाइम्स। जी हाँ दोस्तों, आई हैव बीन टू जेल वंस, मैं एक बार जेल जाकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये पॉजिटिव आंसर है जो हमें देने होते हैं आई हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव आंसर देना होता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी वैसा नहीं किया, तो दोस्तों हम ये आंसर देते हैं आई हैव नेवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमने कहना होता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, मैंने कभी वैसा नहीं किया, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं आई हैव नेवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं आई हैव नेवर बीन टू जेल, मैं कभी जेल जाकर नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, मैं कभी जेल जाकर नहीं आया, आई हैव नेवर बीन टू जेल। आई हैव नेवर सीन अ गोस्ट, मैंने कभी भी भूत नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, ये दो तरीके हैं आंसर देने के लिए हैव यू एवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का। आंसर दो तरीके से दिया जाता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव। फर्स्ट तरीका है दोस्तों पॉजिटिव, सेकंड तरीका है दोस्तों नेगेटिव। पॉजिटिव दिया जाता है दोस्तों आई हैव प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ, और जी हाँ दोस्तों नेगेटिव दिया जाता है आई हैव नेवर प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अगली वीडियो में आपको एक गोस्ट की फैमिली बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक गोस्ट यानी भूत, भूत की क्या फैमिली होती है, उस भूत की फैमिली के बारे में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे आता है गोस्ट, गोस्ट का अर्थ होता है भूत। जी हाँ दोस्तों, भूत को हम इंग्लिश में कहते हैं गोस्ट। दोस्तों भूत की पत्नी को हम चुड़ैल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूत की पत्नी को हम चुड़ैल या भूतनी कहते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है विच। जी हाँ दोस्तों, चुड़ैल या भूतनी को इंग्लिश में विच कहा जाता है। दोस्तों भूत और चुड़ैल की जो संतान होती है, जी हाँ दोस्तों, भूत और चुड़ैल की जो संतान होती है उसे हम पिशाच कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, भूत और चुड़ैल की जो संतान होती है उसे हम पिशाच कहते हैं, और पिशाच को इंग्लिश में हम डेमन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक होता है दैत्य। दैत्य दोस्तों क्या होता है कि वे भूत जो आकार में बहुत बड़े होते हैं उन्हें कहा जाता है मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, मॉन्स्टर का अर्थ होता है आकार में बहुत बड़ा, और इसका हिंदी अर्थ होता है दैत्य। दैत्य को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों, दोस्तों दैत्य को हम इंग्लिश में कहेंगे मॉन्स्टर। जी हाँ दोस्तों, राक्षस। दोस्तों राक्षसी वही राक्षस है, जैसे आपने कभी रामायण सीरियल देखा है तो रामायण सीरियल में ये वही दैत्य वही राक्षस होते हैं जो देवताओं का यज्ञ भंग कर जाते थे, देवताओं को परेशान करते थे, मुनि यज्ञ करते थे तो उनका मुनि महर्षियों का यज्ञ भंग कर जाते थे, उनकी तपस्या को भंग करने का कार्य करते थे। जी हाँ दोस्तों, राक्षस को इंग्लिश में कहा जाता है जायंट। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों भूतों को जो वश में करने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है तांत्रिक विद्या। जी हाँ दोस्तों, भूतों को वश में करने की प्रक्रिया होती है तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों विचक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, तांत्रिक विद्या को इंग्लिश में कहते हैं विचक्राफ्ट। और जी हाँ दोस्तों, विच डॉक्टर दोस्तों भूतों को जो वश में करता है, तांत्रिक विद्या जो करता है उसे हम कहते हैं तांत्रिक। जी हाँ दोस्तों, जो तांत्रिक विद्या के द्वारा भूतों को वश में करता है उसे कहा जाता है तांत्रिक। और दोस्तों तांत्रिक को इंग्लिश में कहा जाता है विच डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों,
ये कुछ वर्ड्स थे जो हमने आपको दिए दोस्तों। ये फैमिली क्या होती है, क्या नहीं होती है, कुछ नहीं होता है ऐसा दोस्तों। ये कुछ वर्ड्स थे जो हम आपको देना चाहते थे, जो हमने इस फैमिली ऑफ गोस्ट के माध्यम से आपको दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे तो सेंसेस आगे की। हम हम आपको आपको सेंस पढ़ा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम आपको अभी तीन सेंस करवा चुके थे दोस्तों। फर्स्ट सेंस थी हमारी ईजेएमआर प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जी हाँ दोस्तों, इस सेंस का उपयोग कब किया जाता है दोस्तों? इस सेंस का उपयोग किया जाता है जब कोई काम लगातार चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी सेंस हमने आपको करवाई थी डूडज प्लस एक्शन फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, जब हमें किसी की आदत बतानी होती है या जो कोई काम रोज रोज हो रहा होता है उसे बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं डूडज प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, तीसरी सेंस हमने आपको करवाई थी हैजो प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, हैजो प्लस एक्शन थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है जो काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसके लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी चौथी सेंस है डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म और डिड प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, डिड प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म और एक्शन सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब हमें कल और कल से पहले की बात करनी होती है। जैसे हमें कहना होता है कि मैंने कल ऐसा किया था, मैंने कल वैसा किया था, मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, जैसे हमें कहना है कि मैंने ये किया था। जी हाँ दोस्तों, तो हम कहेंगे ये बात अपनी आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब हमें कहना है कि मैंने ये काम किया था तो दोस्तों हमें आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म। दोस्तों पॉजिटिव सेंस में डिड नहीं आएगा, एक्शन की सेकंड फॉर्म आएगी। और दोस्तों जब हमें कहना है कि मैंने ऐसा नहीं किया था तो दोस्तों हम कहेंगे आई डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव सेंसेस में डिड आएगा, डिड के तुरंत बाद नॉट आएगा और दोस्तों इसके साथ आएगी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने जैसे हमें कहना होता है कि मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म का। देखिए दोस्तों, जैसे हमें कहना है कि मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, मैं वहां गया था। जी हाँ दोस्तों, आई लाइक हिज पोस्ट, मैंने उसकी पोस्ट लाइक की थी। जी हाँ दोस्तों, ये कल और कल से पहले के काम थे जो हमने कहे आई प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम जब हमें कहना होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने वैसा नहीं किया था, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं आई डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, जैसे आई डिड नॉट कॉल हिम, मैंने उसे कॉल नहीं किया था। आई डिड नॉट टेल हिम, मैंने उसे नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब हमें कहना होता है कि आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, तो दोस्तों जब हमें कहते हैं कि आपने ऐसा किया था, तो दोस्तों वो सेंटेंस हम कहेंगे यू प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म के साथ। देखिए दोस्तों, यू रोट ए लेटर, आपने एक पत्र लिखा था। यू रोट ए लेटर, आपने एक पत्र लिखा था। दोस्तों इसमें फॉर्मूले का उपयोग हुआ यू प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, यू टुक माई पेन, आपने मेरा पेन लिया था। जी हाँ दोस्तों, जब हमें कहना होता है कि आपने ऐसा किया था, आपने वैसा किया था, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं यू प्लस एक्शन सेकंड फॉर्म का। जी हाँ दोस्तों, जब हमें किसी से कहना होता है कि आपने ऐसा नहीं किया था, आपने वैसा नहीं किया था, तो दोस्तों हम उस बात को कहते हैं यू डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। जी हाँ दोस्तों, जब हमें किसी से कहना होता है कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, तो दोस्तों ये बात हम कहते हैं यू डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ। देखिए जैसे दोस्तों, यू डिड नॉट गो देयर, आप वहां नहीं गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपने वैसा नहीं किया था, आप वहां नहीं गए थे। यू डिड नॉट गो दियर, आप वहां नहीं गए थे। यू डिड नॉट टेल हिम, आपने उसे नहीं बताया था। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमें बात रखनी है दोस्तों। जब हमें थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, उसने ऐसा नहीं किया था, उसने वैसा नहीं किया था, तो दोस्तों उसके लिए हम जैसे हमें कहना है कि उसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, तो दोस्तों हम उसकी बात कहेंगे ही सी प्लस एक्शन सेकेंड फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम लगाएंगे एक्शन की सेकेंड फॉर्म। जैसे दोस्तों, शी वांटेड टू नो अबाउट यू, वह आपके बारे में जानना चाहती थी। दोस्तों ये कल और कल से पहले की बातें हैं जो हो रही हैं यहाँ पे। शी वांटेड टू नो अबाउट यू, वह आपके बारे में जानना चाहती थी। ही गेव डोनेशन टू फाउंडेशन, उसने संस्था को दान दिया था। जब हमें कहना है कि उसने ऐसा नहीं किया था, उसने वैसा नहीं किया था, तो दोस्तों हम ये बात कहेंगे ही सी डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, सेम फॉर्मूले हैं डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जब हमें कहना है कि आपने ऐसा नहीं किया था, आपने वैसा नहीं किया था, ही सी डिड नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। जैसे ही डिड नॉट राइड बाइक, उसने गाड़ी नहीं चलाई थी, उसने बाइक नहीं चलाई थी। सी डिड नॉट मेक फूड, उसने खाना नहीं पकाया था। जी हाँ दोस्तों, ये होती है दोस्तों कल और कल से पहले की बातों के लिए हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है। दोस्तों हमें क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? टेंस पढ़ाए जाते हैं दोस्तों, टेंस पढ़ाए जाते हैं। तो टीचर बोलता है ये पास्ट प्रेजेंट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। दोस्तों पास्ट वो आपको पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, मैं इतने साल पढ़ाऊं लेकिन मुझे आज भी टेंस अच्छे से याद नहीं है। वो आपको सिखाते जिस वाक्यों के अंत में आता है था थे थी, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट टेंस का। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हमें आपको टेंस नहीं, हमें आपको सेंस सिखा रहे हैं। ये सेंस चलते हैं फॉर्मूलों से। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखिएगा। इन
इनको अगर दोस्तों आपको याद है, माइंड में फिट है, तो दोस्तों आप इंग्लिश बोलेंगे बेझिझक बेअटक इंग्लिश बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ सिंपल सेंटेंस है। अभी आपको लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, आप क्या पढ़ा रहे हैं, हमारी ये बिल्कुल ईजी है, हम ये वैसे ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा कि ईजी लगेगा कि हमें ईजी पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल दोस्तों ये ईजी है, इंग्लिश ईजी है, हम आपके लिए और ईजी करेंगे इसे दोस्तों। अभी सेंस पढ़ा रहे हैं, सेंस से आगे जब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम आपको जब 5-6 सेंस पढ़ा देंगे दोस्तों, 6 सेंसों का एक साथ कैसे सेंटेंस बोला जाता है, बड़े सेंटेंस कैसे बोले जाते हैं, वो सब प्रैक्टिस हम आपको करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब हमें कहना होता है, किसी से क्वेश्चन करना होता है कि आपने ऐसा किया था, क्या आपने वैसा किया था, क्या उसने ऐसा किया था, क्या उसने वैसा किया था, तो दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं डिड यू, ही सी प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि दोस्तों हमें क्वेश्चन करना होता है तो हम डिड लगाएंगे स्टार्टिंग में और एंड में लगाएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बीच में दोस्तों डूअर कौन है, डूअर अगर दोस्तों सामने वाला है तो उस हम किसके लगाएंगे, उसके लिए लगाएंगे यू, यानी सेकंड पर्सन है तो उसके लिए लगाएंगे यू, और थर्ड पर्सन है तो उसके लगाते हैं अपन ही सी। जी हाँ दोस्तों, डिड यू ही सी प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, चाहे सामने वाले से बात करनी हो तो भी हम इस फॉर्मूले से कहेंगे डिड प्लस एक्शन फर्स्ट, और बीच में रख देंगे दोस्तों डूअर को, यू को, जैसे दोस्तों डिड यू प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आपने ऐसा किया था, डिड ही सी प्लस एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या उसने ऐसा किया था। दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं, डिड यू कम्प्लीट योर वर्क, क्या आपने अपना काम कम्प्लीट कर लिया था, डिड ही कम टू स्कूल, वो स्कूल आया था क्या, डिड राधा कुक फूड, राधा ने खाना पकाया था क्या। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से हम अपनी बातें रखनी होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सीखने के लिए हम कहते नहीं कि रटो मत, हम दोस्तों हम एक बात पर जोर देते हैं कि रटो मत, समझ समझ के पढ़ो और प्रैक्टिस करो। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी बताएंगे दोस्तों। हर एक कोई आदमी कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को उत्तम बनाता है दोस्तों। आप जितना अभ्यास करते हैं उतना ही आपकी प्रतिभा में निखार आता है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ टिप्स हैं, यानी कि कुछ पहलू हैं जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप दोस्तों प्रैक्टिस करके ही आप कुछ कर सकते हैं, आप रट के कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, अपने हिंदुस्तान में कहावत है कि रटंत विद्या फलंत नाही। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि जो विद्या रटी जाती है वो कभी फलती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। और दोस्तों हमारे यहाँ पर एक और कहावत है हिंदुस्तान में कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जी हाँ दोस्तों, इसके माध्यम से ये बताया गया है कि दोस्तों अभ्यास करने से जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी विद्वान बन जाता है, ठीक उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अभ्यास करने से विद्वान बन जाता है। जैसे दोस्तों पत्थर की शिला होती है, पत्थर की शिला कुएं पर रखी होती है, जब रस्सी से हम पानी भरते हैं, रस्सी उससे रगड़ खा के नीचे जाती है और रगड़ खा के ऊपर आती है, तो दोस्तों उसकी रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अभ्यास करने के बाद में कुछ भी दुर्लभ नहीं है इस संसार में। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस कैसे करनी है दोस्तों, हमारी वीडियोस को रेगुलर देखें सब, फर्स्ट नंबर पे कोई भी वीडियो मिस नहीं करनी है दोस्तों आपको, स्टार्टिंग से एंड तक हमारी पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि हर वीडियोस में हम आपके लिए स्पेशल रखते हैं दोस्तों, हम ऐसा वैसा आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद में हम आपको और आगे भी पढ़ाएंगे, काफी कुछ पढ़ाएंगे, काफी कुछ आपको सिखाएंगे दोस्तों, मेन मकसद हमारा आपको सिखाना है। जी हाँ दोस्तों, तो हर वीडियो में हम आपके लिए स्पेशल रखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कोई वीडियो आपको वीडियो में परेशानी है, जैसे दोस्तों वीडियो की किसी पर्टिकुलर पार्ट में परेशानी है, जैसे कि अभी हमने आपको सेंस पढ़ाई, आपको सेंस में परेशानी है, सेंस में किसी पर्टिकुलर जो सेंटेंस है, सॉरी जो फॉर्मूला है उसमें आपको प्रॉब्लम है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए हेल्प। जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हेल्प टाइप कीजिए, हेल्प कमेंट कीजिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार हम सोल्यूशन दे सकते हैं आपको, हम उसी प्रकार आपको सोल्यूशन देंगे दोस्तों। कोई भी वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिए, बीच में से हटाइए मत कि आप बीच में आगे मत बढ़िए, जैसे वीडियो को बिना देखे थोड़ी बहुत देखिए आगे मत बढ़िए, क्योंकि दोस्तों इससे क्या होगा कि क्योंकि दोस्तों बीच में हम आपको काफी कुछ चीजें बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, तो दोस्तों अगर आप स्किप कर दोगे तो दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों अगर कोई वीडियो के साथ एक बार में आप संतुष्ट नहीं है, जैसे आपने पहली बार देखी, पहली बार में आपको कम समझ में आई, तो दोस्तों उसको ज्यादा क्लियरिफाई करने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप दोस्तों वीडियो को दोबारा देखिए। जी हाँ दोस्तों, प्रैक्टिस अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। दोस्तों के साथ आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, जैसे दोस्त आपके 4-5 दोस्त हो जाते हैं, उनको आप बुलाइए, अपने घर पे बुलाइए, जैसे आप गार्डन में मिलने जाते हैं, तो दोस्तों ये फॉर्मूले के आधार पर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। उनसे इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन का अर्थ होता है दोस्तों बातचीत, दोस्तों इसे उनसे इंग्लिश में बातचीत करना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। सेंस हम आपको पढ़ा रहे हैं, आगे पढ़ाते रहेंगे, और दोस्तों जो भी जिस तरह से आप कर सकते हैं प्रैक्टिस दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस चाहिए आपको दोस्तों।
क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप कर सकते हो, रटना नहीं है दोस्तों। बार बार मैं कहूंगा आपको रटना नहीं है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करते रहिए फॉर्मूलों के आधार पर दोस्तों, आप बिल्कुल इंग्लिश बोलना सीखेंगे दोस्तों। अगर आपको कोई दोस्त तैयार नहीं होता या आपने सोचते हैं कि यार मैं अकेला मैं कैसे प्रैक्टिस करूं, जी हाँ दोस्तों, अपने आप को अकेला महसूस मत कीजिए। आपके घर में आईना तो होगा दोस्तों, बड़ा आईना, आईने के सामने बैठिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद को बोलकर सेंटेंस सुनाइए और खुद ही रिवाइज कीजिए जी दोस्तों। इससे बेटर तरीका कोई नहीं हो सकता दोस्तों। विदा लेते हैं आपसे इस वीडियो में, और दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे साइंस नंबर 5 जी हाँ दोस्तों। उसके साथ हम और कुछ भी टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।